आज बनाएंगे त्योहारों के लिए स्पेशल रबड़ीदार खीर। ऐसा नया तरीका बताऊंगी जिससे घंटों का काम मिनटों में होगा। इसमें अलग से कुछ नहीं डालेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही कुछ और कम टाइम में खीर हमारी एकदम गाढ़ी रबड़ीदार बनकर तैयार होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल माँ की रसोई अंजू को जरूर सब्सक्राइब करें। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चावल लेने हैं। अब चावल आप चाहें तो यहाँ पर वनस्पति भी ले सकते हैं, लेकिन खीर जो है ना वो इन चावलों से ज्यादा अच्छी बनती है। तो खीर के लिए हमेशा छोटे और मोटे वाले ही चावल लें। तो मैंने यहाँ पर एक कप चावल लिए हैं। इन्हें पानी में डालकर अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे और इन्हें धोने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देंगे। तो अभी देखिए चावल भी हमारे अच्छे से भीग गए, तो अभी हम खीर बना लेते हैं। तो कुकर में हम सबसे पहले यहाँ पर 2 चम्मच पानी डालकर इसे चारों तरफ घुमा लेंगे। इससे ना दूध नीचे लगेगा नहीं। और देखिए खीर तो वैसे आप किसी भी दूध की बना सकते हैं, लेकिन भैंस का दूध जो होता है ना वो थोड़ा गाढ़ा होता है, तो इससे खीर ज्यादा अच्छी बनती है। और दूध आप यहाँ पर उबला हुआ या कच्चा कैसा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 1.5 लीटर दूध कुकर के अंदर डाल दिया है। अगर जरूरत लगेगी तो मैं बाद में भी डालूंगी। दूध को अच्छा गर्म होने दें। इधर मैंने पैन में 1 चम्मच घी डाला है और ये थोड़े से मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप चाहें तो इनके बगैर भी खीर बना सकते हैं, लेकिन हम त्योहारों के लिए बना रहे हैं तो त्योहारों पे थोड़ा सा स्पेशल तो बनता है। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब पिस्ता को बारीक काट लिया है। 2 चम्मच ही मैंने सूखा वाला नारियल लिया है, इसे भी बारीक बारीक काट लिया है। 2 चम्मच बादाम लिए हैं, इन्हें भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये जो काजू है मैंने इन्हें थोड़ा साबुत भी रखा है और थोड़े काट भी दिए हैं। घी में हमें इन्हें हल्का सा ही बस भूनना है। अगर हम इन्हें ज्यादा करेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे और खाने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखिए इनका हल्का कलर चेंज हो गया है, तो इन्हें पैन से अलग निकाल लेंगे। और देखिए दूध भी हमारा यहाँ पर अच्छा गर्म हो गया है। अब इस गर्म दूध में से ही भरकर 1 बड़ा चम्मच दूध अलग निकाल लेंगे। इसमें हम कुछ केसर के धागे डालेंगे। गर्म दूध में केसर के धागे डालने से इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और खीर में इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। अगर हो तो डाल दें, वरना आप इन्हें भी स्किप कर सकते हैं। इन्हें साइड में रख देंगे और अब गर्म दूध में हम ये चावल डाल देंगे। और देखिए चावल हमारे यहाँ पर अच्छे से फूल गए। तो इस तरह से जब आपको खीर बनानी हो ना जल्दी में, तो चावल को पहले ही भिगो के छोड़ दीजिए। चावल अच्छे फूल जाएंगे तो इन्हें पकने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने ये जो ड्राई फ्रूट्स भून कर रखे हैं इन्हें भी डाल देंगे। इन्हें अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें 1 सीटी आने देंगे। 1 सीटी आने के बाद जब इसका सारा प्रेशर निकल जाएगा तभी हम कुकर को खोलेंगे। और देखिए कुकर का प्रेशर जब निकल गया है तभी मैंने कुकर को खोला है। देखिए चावल भी यहाँ पर अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। और मैंने ना यहाँ पर चीनी अभी नहीं डाली है। चीनी पहले डालने से ना चावल को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी चावल हमारे यहाँ पर अच्छे से पक गए हैं, तो अभी हम इसमें 1/3 कप चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसा भी आप मीठा खाना पसंद करते हो। और अभी आप देखेंगे जैसे आपको अभी यहाँ पर खीर गाढ़ी लग रही है, जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी ऐसे ही खीर हमारी यहाँ पर पहले से थोड़ी पतली हो जाएगी। अभी खीर में 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं। इसका खीर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये जो हमने केसर वाला दूध बनाकर तैयार किया है इसे भी इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छे से डालकर मिक्स कर देंगे। अब खीर में करेंगे हम वो सीक्रेट काम जिससे खीर हमारी एकदम रबड़ी जैसी गाढ़ी बनकर तैयार होगी। तो इसमें से मैंने ये 2 कड़छी भरकर खीर अलग निकाल ली है। इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी इसे मिक्सी के जार में डालकर एकदम बारीक पीस लेंगे। आप देखिए इस तरीके से ना आपको अलग से इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खीर हमारी एकदम मलाई जैसी रबड़ीदार बनकर तैयार होगी। और देखिए खीर में डालते टाइम ही आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। अब इसे एक बार वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब आप खीर का टेक्सचर देखिए, बिना घंटों पकाए बहुत ही कम टाइम में इस तरीके से आप खीर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और कोई कह ही नहीं पाएगा कि आपने इसे बहुत कम टाइम में बनाया है। तो अभी इसे हम 2 मिनट के लिए वापस से ढककर पकाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और 2 मिनट बाद खीर को देख लेते हैं। वैसे तो खीर हमारी यहाँ पर एकदम अच्छी बन गई है। अगर आपको थोड़ी यहाँ पर कसर लगे तो कड़छी से इस तरह इसे थोड़ा सा चला लीजिए। ऐसा करने से इसका टेक्सचर और अच्छा हो जाएगा। और ये लीजिए गाढ़ी रबड़ीदार खीर यहाँ पर बनकर तैयार है।
आप इसे त्योहारों पे बना सकते हैं या जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे आप इसे फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। इस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाएगी। एक बार आप इस तरीके से खीर बनाकर जरूर देखें। आपको कैसी लगी प्लीज मुझे जरूर बताएं। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।